नमस्कार, मैं अनामिका। चलिए जानते हैं बिहार की 25 खबरों के बारे में। बिहार में विकास के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलना है जरूरी। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बिहार की तरफ से आयोजित 59वीं त्रैमासिक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राज्य को विशेष दर्जा मिलने पर सभी बड़े और छोटे उद्योग के लिए बड़े रास्ते खुल जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि बैंकों के सहयोग से राज्य के पिछड़ेपन और गरीबी को दूर करने में काफ़ी हद तक सहायता हो सकती है। पूर्व IAS ललन सिंह जदयू में हुए शामिल। पूर्व IAS नेता ललन सिंह को जदयू के राष्ट्रीय महासचिव RCP सिंह ने शुक्रवार को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। उन्होंने कहा कि ललन बाबू को प्रशासनिक क्षेत्र की अच्छी जानकारी है और वे इसका इस्तेमाल पार्टी के लिए करेंगे। इधर ललन बाबू ने भी कहा कि वे अब समाज की सेवा करना चाहते हैं। सड़कों की मरम्मतों पर खर्च होंगे 2000 करोड़ रुपए। बिहार के जिन जिलों की सड़कों में मरम्मतें की जानी है उन्हें केंद्र सरकार से मंजूरी राशि मिलने के बाद सड़कों के निर्माण कार्य में लगाया जाएगा। संभव है कि केंद्र सरकार की कोई टीम बिहार में आकर टूटी फूटी क्षेत्रीय सड़कों का मुआयना भी करे, जिसके आधार पर ही राशि जारी की जाएगी। पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF ने पाया है कि मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों के वित्त पोषण से जुड़े 40 मानदंडों में से 32 को पाकिस्तान ने पूरा नहीं किया है, जिसे देखते हुए FATF ने पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। कृष्णजन्मोत्सव और चौथे शनिवार को लेकर बैंक रहेंगे बंद। मध्य रात्रि को कृष्ण का जन्म होने की वजह से मामले को लेकर मतभेद बना हुआ है, जिसकी वजह से इस बार कृष्ण का जन्मोत्सव शुक्रवार 23 अगस्त और शनिवार 24 अगस्त दोनों दिन मनाया जा रहा है। इस बाबत बैंक भी 2 दिन बंद रहेंगे। रविवार दूसरे और चौथे शनिवार को भी बैंक बंद रहते हैं। 24 अगस्त को चौथा शनिवार पड़ रहा है, यानी इन दोनों दिन बैंक बंद रहेंगे। शुरू हुआ जल संरक्षण कृषि मेला। इस मेले का आयोजन किसानों को कम पानी में खेती हेतु वैकल्पिक प्रभेद एवं फसलों के साथ उत्पादन प्रणाली में सुधार करते हुए सिंचाई जल के न्यूनतम उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यह मेला 24 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक रहेगा। मोकामा के बाहुबली निर्दलीय नेता अनंत सिंह ने किया सरेंडर। AK-47 के मामले में अनंत सिंह के खिलाफ बीते 16 अगस्त को मामला दर्ज कराया गया था। वहीं पटना पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी, लेकिन पुलिस अनंत सिंह को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। शुक्रवार 23 अगस्त को विधायक अनंत सिंह ने दिल्ली के साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आर्म्स एक्ट मामले में अनंत सिंह बीते 4-5 दिनों से फरार चल रहे थे। ITI की परीक्षा होगी कदाचार मुक्त, लगेंगे उड़न दस्ते। श्रम संसाधन मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि उड़न दस्ता टीम के सदस्य अपने मोबाइल से परीक्षार्थियों की गतिविधियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यालय में उपस्थित वरीय पदाधिकारियों को सूचित करेंगे। साथ ही पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि पूर्व की परीक्षाओं में जो कुछ कमी रह गई थी उसे सुधारते हुए और बेहतर रूप से परीक्षा का संचालन किया जाए। बता दें कि इस वर्ष की ITI परीक्षा में 18,000 विद्यार्थी शामिल होंगे। राजद युवा नेता तेजस्वी यादव राजनीतिक कार्यों में हुए सक्रिय। बताया जा रहा है कि तेजस्वी 25 अगस्त को सदस्यता अभियान में होने वाली समीक्षा बैठक करने वाले हैं। आपको बता दें कि अब तक पार्टी ने क्रियाशील सदस्यों के लिए 1,50,283 फॉर्म जिले में भेज चुके हैं, जिनमें लगभग 80,000 क्रियाशील सदस्य बनाए गए हैं और साधारण सदस्यों के लिए लगभग 40,00,000 फॉर्म को जिला में भेजा गया है। तेजस्वी यादव के बाद तेज प्रताप ने भी जताई राजनीति करने में दिलचस्पी। मूर्ति को लेकर हो रहे विवाद अभी भी नहीं थमते दिखाई दे रहे हैं, जिसके विषय में तेज प्रताप यादव ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि छात्रों को गद्दारी का पाठ पढ़ाएंगे और विश्वविद्यालयों में कायरों की मूर्ति लगाएंगे। संगठन द्वारा भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के साथ अंग्रेजों के एजेंट सावरकर की प्रतिमा लगाकर देश के वीर सपूतों की कुर्बानी का मजाक बनाया गया। पटना मेट्रो प्रोजेक्ट वर्क के तहत कार्य का हुआ शुभारंभ। जी हां, अब पटना मेट्रो को किसी सपने में नहीं बल्कि हकीकत का रूप देने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार से इस काम की शुरुआत हो चुकी है। इस काम को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन टीम को सौंपा गया है, जिसमें ड्रोन सर्वे के आधार पर जमीनों को चिन्हित किया जाएगा। दरोगा भर्ती के लिए आया नया नियम, अब नहीं कर सकेंगे सभी आवेदन। बिहार सरकार के नए नियम में ये शामिल किया गया है कि जो छात्र 1 जनवरी 2019 तक स्नातक कर चुके हैं, सिर्फ वही अब छात्र दरोगा भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन छात्रों का 2015, 2017 या 2018 का स्नातक है वो अब आवेदन नहीं कर सकेंगे। डिप्टी गवर्नर ने कहा बिहार में हुई है वृद्धि।
डिप्टी गवर्नर एमके जैन ने कहा कि बिहार में इन 10 सालों में काफी वृद्धि आई है। प्रति व्यक्ति कम आय होने के बावजूद भी देश में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट बढ़ा है। किसान क्रेडिट के हिसाब से बिहार देश में 12वें स्थान पर पहुंच चुका है। अभी और भी वृद्धि है जरूरी। सिवान के मूर्ति व्यवसायी रजनीश कुमार के घर हुई चोरी। सूत्रों के अनुसार जब घर में सभी लोग सोए हुए थे तब देर रात को चोरों ने घर में घुसकर 12,000 रुपए नगद और लैपटॉप मोबाइल के साथ साथ महत्वपूर्ण कागज भी चुरा ले गए। सुबह उठने पर जब उन्होंने देखा कि चोरी की घटना के साथ ही उनके कपड़े घर से कुछ दूरी पर फेंके हुए मिले। पटना 9वीं बटालियन NDRF की तरफ से पुलिस कर्मियों को सिखाए गए आपदा प्रबंधन। राजन कुमार के नेतृत्व में बेतिया जिले के कलेक्ट्रेट ऑफिस में जिले के विभिन्न थानों से आए 119 निरीक्षकों और उप निरीक्षकों को आपदा प्रबंधन के अंतर्गत बाढ़, भूकंप सुरक्षा, सड़क सुरक्षा एवं अस्पताल पूर्व चिकित्सा के बारे में तकनीकी गुण सिखाए गए। नौकरी की किल्लत होने के बावजूद एक कर्मी ने की 3 नौकरियां। सरकार को इसकी जानकारी तब मिली जब एक सरकारी कर्मी 30 सालों तक 3 विभागों में एक साथ काम करता रहा और उठाता रहा वेतन। इतना ही नहीं बल्कि कर्मी सुरेश राम ने प्रमोशन के दौरान पदोन्नति भी कर ली। जब उसके कागजातों की जांच की गई तो पता चला कि एक ही व्यक्ति 3 जगहों किशनगंज, सुपौल और बांका में कर रहा है काम। फ्लैट में घर खरीदने वालों के लिए मुख्य एग्रीमेंटों का होना है जरूरी। फ्लैट बनाने वालों और फ्लैट खरीदने वालों के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने संबंधित दिशा निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें रेरो के नियम के मुताबिक भवन निर्माताओं द्वारा फ्लैट खरीदने वालों को दिया गया ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के द्वारा साबित होता है कि लिया गया फ्लैट पूरी तरह से वैध है। लालू यादव के चारा घोटाले की सुनवाई 26 अगस्त से। गौरतलब है कि डोरंडा कोषागार से लगभग 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी की गई थी, जिस मामले में 119 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं, जिसमें चारा घोटाले में लालू प्रसाद के खिलाफ सबसे बड़े मामले 47A 97 की सुनवाई 26 अगस्त से शुरू हो जाएगी। बिहार में 25 अगस्त तक बारिश होने की संभावना। बिहार में मानसून ने ज्यादा तो असर नहीं दिखाया, परंतु मौसम विभाग के अनुसार आज से 25 अगस्त तक फिर से राजधानी के पटना सहित भागलपुर और पूर्णिया में जोरदार बारिश होने की संभावना है, जबकि इनके सटे हुए इलाकों में हल्की या रुक रुक कर बारिश हो सकती है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी का पुराना डांस वीडियो हो रहा है वायरल। हेमा मालिनी का कृष्ण से जुड़े विभिन्न किरदारों की पुरानी वीडियो वायरल हो रही है। इसमें उनके डांस और एक्सप्रेशन दर्शकों को मोहित कर रही है। बिहार के 38 जिलों में खुलेंगे कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अस्पताल। पटना में गुरुवार को बिहार कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक अरविंद कुमार ने बताया कि बिहार के 38 जिलों में अब अस्पताल खोले जाएंगे। ये अस्पताल 2 से 3 महीनों में 16 जिलों में कार्यरत करने लगेंगे। स्त्रियों के लिए मिसाल बनी बिहार की राजनंदिनी। राजनंदिनी का एलाइट मिसेज यूनिवर्स 2019-20 के फाइनलिस्ट के रूप में चयन हुआ है। वे बताती हैं कि 16 साल की उम्र में उनकी शादी और 22 साल अपने परिवार को देते हुए उन्होंने अपने सपने को संजो कर रखा है, जिसकी बदौलत वे इस मुकाम पर हैं। टीम इंडिया के नए बल्लेबाज कोच भरत अरुण गेंदबाजी कोच, आर श्रीधर फील्डिंग कोच और संजय बांगर की जगह पूर्व सलामी बल्लेबाज विक्रम राठौड़ टीम इंडिया के नए बल्लेबाज कोच। भाजपा नेता गिरिराज सिंह ने एक बार फिर दिया पी चिदंबरम पर बयान। अपने बयानों से अक्सर सुर्खियों में रहने वाले गिरिराज सिंह ने एक बार फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने चिदंबरम की गिरफ्तारी के विषय में कहा कि अपराधी आखिर अपराधी ही होता है, चाहे आर्थिक अपराधी ही क्यों न हो। अब जानते हैं मौसम का हाल। राजगीर, नालंदा, औरंगाबाद में दोपहर और शाम में गर्जना के साथ बारिश हो सकती है। वहीं पटना, पूर्णिया, भागलपुर, छपरा, फारबिसगंज, गया, मधुबनी, मोतिहारी और मुजफ्फरपुर में सामान्यतः बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश होगी। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।